अयोध्या धमधरा बैकघाट पर भी जमतीतिया का मेला हुआ है। आयोजन वही पर आज के दिन में से यमराज की पूजा होती है और सब सुबह से ही वह सूर्य तट पर बैल लगा हुआ श्रद्धालुओं का लगाता था और हजारों श्रद्धालुओं ने भी यमराज की पूजा की है। वही कार्तिक शुक्ल पक्ष के लिए वही पर बैल जमदूतिया का मेला भी लगा हुआ है और सुबह से ही वही पर श्रद्धालु सूर्य ने वे स्नान कर वह दीर्घायु होने के लिए कामना लेकर यमराज को भी पूजा अर्चना की है और वही पर वह आज के दिन में से भैया दूज और वही जमदूतिया का पर्व भी अनूठा संगम भी देखने को मिल रहा है और इस पर्व से पहले वह विशेष कर अपने भाइयों को भी दीर्घायु के लिए वे यमराज की पूजा कर रही है और वही बहनों ने भाइयों ने भी टीका करके उनकी लंबी आयु की कामना करती है और इस पर्व के लिए भाई अपनी बहन के भी उपहार देने के साथ साथ ही उनकी रक्षा का भी वचन देते हैं और वही पर भाई कहते हैं कि बहन के लिए इस प्रेम को भी देखकर यमराज भी प्रसन्न हो जाते हैं। अमावस का त्यौहार होता है, दीपावली का दिन रहता है, उसके बाद जमदूतिया का दिन आता है, नहान का दिन होता है, यमराज की पूजा की जाती है। हम लोग सब समृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए आते हैं, स्नान करते हैं और जो है पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, हमको बहुत लाभ होता है, हमारा बहुत शौक है नहाने का। आज जमदूतिया का नहान है और हम लोग यहाँ पे आए हैं नहान के लिए और यहाँ पे जो है पूजा होती है यमराज की और भाइयों की पूजा होती है, भैया दूज की पूजा होती है, भाइयों की लंबी उम्र के लिए पूजा की जाती है और घर की सुख शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए यहाँ पे सब पूजा करने आते हैं, भैया दूज के लिए पूजा करने आते हैं, नहान यहाँ पर होता है। बस हमारा नाम आंचल है। द्वितीय पर्व है और इस पर्व में माँ सरयू का स्नान हम सभी भक्त ने किया है और बहुत ही सुख का अनुभव किया है और हम कामना करते हैं कि इस बार माँ सरयू की कृपा से अवध भूमि में सुख समृद्धि और शांति का आयोजन हो और प्रभु हमारे श्री राम जी का मंदिर बने, यही हमारी सभी भक्तों की यही शुभकामना है। जय श्री राम। ध्यान करने से क्या फायदा? आज के स्नान और ध्यान करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है और यम से के बंधन से इंसान मुक्ति पाता है। इसी कारण देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को